नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों हम बात करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि फार्म जो में जो है पूरी बेच जो है बिना बीमारी के निकले। तो दोस्तों जब बच्चे आते हैं तब तो उनको कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो तो सीधे हैचरी में से निकल जाते हैं, और हैचरी में से हमारे ही फार्म के बच्चे नहीं निकल जाते हैं। उसमें एक बैच में मेरे ख्याल से करीब 40 से 50 हज़ार बच्चे जो है एक हैच में आते होंगे, निकल के आते होंगे। और जो बड़ी कंपनियां हैं तो बड़ी कंपनियों का तो स्वाभाविक सी बात है, कम से कम 1 लाख पर वीक जो है हैच का जो अंडा जो निकलता है। तो अब हमसे तो ज़्यादा ही बायो सिक्योरिटी और हमसे तो ज़्यादा ही मैनेजमेंट वो हैचरी वाले उपयोग करेंगे। तो दोस्तों मेरा बोलने का मतलब ये है कि हैचरी से जब बच्चा आता है तब बाय चांस किसी बेच में ऐसा दिक्कत आ जाती है कि जो है बर्ड जो है उसमें ही समस्या आए, किंतु जनरली वहाँ हैचरी से समस्याएं नहीं आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फार्म के अंदर बच्चों को अगर बीमारी अगर हो रही है तो वो हमारे फार्म के अंदर हो रही है। तो मतलब ये हुआ कि फार्म के जो भी हमको सुधार करना है वो हमारे फार्म में करना है, ना कि हमको आगे दूसरा कुछ सोचना है। तो दोस्तों ऐसा क्या किया जाए फार्म के अंदर कि बेच जो है पूरा निरोगी निकले और स्वस्थ बच्चे ही लास्ट में निकले और मोर्टलिटी कम से कम हो, एफसीआर अच्छे से अच्छा जाए और वजन भी अच्छा आए, ताकि हमको पैसा भी अच्छा मिले। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा संबंध है हमारे मैनेजमेंट से कि हम फार्म के अंदर और फार्म के बाहर का मैनेजमेंट किस प्रकार रखें कि बर्ड जो है पूरी तरीके से स्वस्थ रहें। तो उसका जो शुरुआत जो होती है वो ये होती है कि जब भी बेच निकले तो पहले ही दिन जो है बुरादा फार्म के बाहर हो जाना चाहिए, उसके बाद में झाड़ू मार के और बुरादा जो है झाड़ू मार के और फिर उसको भी साफ कर देना चाहिए, उसके बाद में फार्म को फिर ऐसे ही पूरे फार्म को धो देना चाहिए और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए। अब जैसे ही फार्म को जब पूरा धो देंगे उसके बाद में जो दाग रहेंगे या जो डस्ट रहेगी जो चिपकी हुई रहेगी वो पूरी तरीके से ढीली हो जाएगी, उसके बाद में फार्म को वो आप ब्रश से और अच्छे तरीके से धोएं। तो दोस्तों ये तो आपका धोने का तरीका हो गया। उसके बाद में जो है आप बर्निंग करें, बर्निंग करने के बाद में वाइट वॉश करें। अब वाइट वॉश करने का भी आपको तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, किंतु मैं एक बार फिर से बता दूं, जब भी आप वाइट वॉश करें तो चूना लें, चूने के साथ में फार्मेलिन लें, फार्मेलिन के साथ में आप कीटनाशक दवाई लें, जो भी हम खेत वगैरह में छिड़काव करते हैं कीटनाशक वाली लें। उसके बाद में फिर हम जिस भी कंपनी, चाहे आप IB से कर रहे हों, चाहे प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हों, चाहे सुगना से कर रहे हो, सुगना से अगर कर रहे हैं तो सुगियोक्स लें, IB से कर रहे हैं तो B904 लें, और प्राइवेट भी कर रहे हैं तो B904 लें, या सुगना के साथ भी इंट्रीगेशन कर रहे हैं तो B904 लें। उसके साथ में आप टारपिन मिलाएं या केरोसिन मिलाएं और नीला थोता मिलाएं और ब्लीचिंग पाउडर मिलाएं। अगर इस प्रकार से आप मिक्सर बना के सबका जो डोज है, नीला थोता जैसे 1 ग्राम मिला दें, तारपीन हम 1 ml मिला दें, और जो है ब्लीचिंग पाउडर वो भी हम 1 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से बनाएं। मान लीजिए हमने 200 लीटर के टैंक में अगर हमने घोल बनाया, चूना अगर डाला, तो उसमें चूना हमने मान लो 50 किलो चूना डाल दिया, उसमें 500 ग्राम हमने नीला थोता डाल दिया, 500 ml हमने तारपीन डाल दिया, 500 ml हमने कीटनाशक दवाई डाल दी, फिर फार्मेलिन डाल दी 500 ml। तो इस प्रकार से जो घोल बना के और फिर हम अगर फार्म के अंदर वाइट वॉश करेंगे तो फार्म में जितने भी बैक्टीरिया या जितने भी बैक्टीरिया लोड है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा वाइट वॉश। उसके बाद में जो है फार्म के अंदर फोगिंग करें, जैसे सुगना कंपनी लगभग हर बेच में ही फोगिंग करवाती है, तो दोस्तों फोगिंग करें। फोगिंग में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है रिजल्ट हमको मिलता है, वो वास्तविकता में वो बेच बहुत अच्छी जाती है। और फोगिंग अगर मान लो हमारे पास में सुविधा नहीं है तो दूसरा तरीका भी है कि हम ब्लीचिंग 250 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर में जो है हम फार्मेलिन में हम 250, जैसे मान लो आप 50 ml फार्मेलिन में आप 250 ग्राम अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो उसके अंदर से जो उनकी जो रिएक्शन से जो धुआं जो बनता है वो भी एक प्रकार से फॉगिंग ही होता है, और दोनों बहुत अच्छे कीटनाशक है, और फार्म के अंदर वो भी एक प्रकार से फॉगिंग करने का सस्ता और आसान तरीका है। आप फॉर्मेलिन 50 ml फॉर्मेलिन के अंदर 250 ग्राम जो है आप ब्लीचिंग पाउडर मिला देंगे, और इस प्रकार से जो है फार्म के एरिया, मान लीजिए आपके पास 4200 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो आप 10 डिब्बे ऐसे लें, उसमें फार्मेलिन डाल दें और उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला के और बाहर भग जाएं, तो उस प्रकार से जो उनके जो मिक्सर से जो धुआं जो पैदा होगा वो भी एक प्रकार से हमारा फोगिंग का काम करता है। और उसके बाद में जो है फार्म के अंदर जो है हम जो है रेगुलर स्प्रे करते रहें, चाहे जैसे सुगना के साथ सुगना का हो तो सुगियोक्स का स्प्रे करें, या पार्टी का स्प्रे करें, या B904 का स्प्रे करें, IB में भी जो अलग अलग मेडिसिन आती है वो देती कंपनी, और उनका जो आप स्प्रे करें, या एक्वामैक्स वगैरह इनका जिनका भी आप स्प्रे करना चाहें उनका स्प्रे करें। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे फार्म पे लिफ्टिंग के बाद में बर्निंग,
वाइट वाश और स्प्रे फॉगिंग वगैरह। अब उसके बाद में जो एक और जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट छूटता है वो है पाइपलाइन क्लीनिंग। पाइपलाइन क्लीनिंग भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ब्रॉयलर फार्मिंग का। अगर हम पाइपलाइन क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आप बाहर से कितना भी इस तरीके से स्वस्थ तरीके से अच्छे तरीके से फार्म की क्लीनिंग कर लें किंतु आप जो है बेच अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि फार्म जो पाइपलाइन है उसके अंदर अगर काई जम जाएगी वो जो है आपके बर्ड को जो है इकोलाई लेके आ जाएगी। इकोलाई और सीआरडी पानी से संबंधित बीमारी है और पाइपलाइन क्लीनिंग से ही संबंधित है तो दोस्तों उसमें फिर हमको समस्या आएगी। तो पाइपलाइन क्लीनिंग भी अच्छे से करें। जैसे ही बेच निकले जब फार्म में कोई बर्ड नहीं हो तो आप पहले ही दिन है जो है पानी को ड्रेन कर दें, अच्छा कम से कम एक घंटे तक ड्रेन होने दें। उसके बाद में जो है उसमें एक्वामैक्स या जो भी आप H2O2 डाल दें, H2O2 भी 5 ml के हिसाब से डलता है, एक्वामैक्स भी 5 ml के हिसाब से डलता है। मान लीजिए कि आपके जो लाइन है उसमें 50 लीटर पानी लगा तो 5% कितना हो गया 25 करीब 250 ml जो है आपको एक्वामैक्स लगेगा या फिर H2O2 लगेगा। आप डाल के उसको छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए, बल्कि मैं तो बोलता हूँ 48 घंटे के लिए। हम पाइपलाइन से हमको क्या संबंध, तो दोस्तों उसको 48 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद में ड्रेन कर दें और उसके बाद में फिर फ्रेश पानी से उसको ड्रेन कर दें। तो इस प्रकार से जो है पाइपलाइन के अंदर जो भी काई जमी हुई रहेगी, जो भी इमरीज रहेगी वो पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी, तो आपकी पाइपलाइन भी बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन होगी। और उसके साथ में दोस्तों अब ये तो हो गया हमारे फार्म बेच की रेडी, बेच हमारी डलने के लिए तैयार है। उसके बाद में जो है फार्म के हम मैनेजमेंट किस प्रकार से रखें। अगर आपका इसी फार्म है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रखें। फार्म के अंदर ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, फार्म के अंदर टेम्परेचर पहले हफ्ते में कितना होना चाहिए, दूसरे हफ्ते में कितना होना चाहिए और लास्ट वीक में कितना होना चाहिए। ह्यूमिडिटी तो हमको 40-60% चाहे ओपन फार्म हो चाहे नॉर्मल फार्म हो, आपको 60-40% अगर मेंटेन रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये तो ह्यूमिडिटी का हो गया, टेम्परेचर का भी हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट छूटता है कि दाना कभी भी हमको खराब दाना नहीं देना है मुर्गियों को। इंडियन ब्रॉयलर फार्मिंग में खराब दाना जो है ये भी एक सबसे बड़ा घातक पॉइंट हो जाता है। इससे कोक्सीडियोसिस भी बीमारी आ जाती है और दूसरी भी बीमारियां हैं पेट संबंधित। अगर बीमारी एक बार चालू हो गई फिर आपका एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है बर्ड को स्वस्थ करने में। तो दोस्तों और एक हफ्ता बहुत होता है ब्रॉयलर फार्मिंग में समय खराब होने में। तो दोस्तों आपको दाने का भी मैनेजमेंट सही तरीके से रखना है और बायोसिक्योरिटी, आपको किसी भी अनजान व्यक्ति को या फिर किसी कंपनी के भी आदमी को या फिर अपने लेबर को भी बार बार जो है दूसरे के फार्म पे नहीं जाना देना चाहिए और किसी भी बंदे को फार्म के अंदर नहीं आना देना चाहिए। दोस्तों बायोसिक्योरिटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहता है ब्रॉयलर फार्मिंग में। दोस्तों और आपको कोई इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।